नमस्कार। बजरंग कृपा संघ ने दिया महाधरना, मृतक के परिजनों को नहीं मिल रहा न्याय, विभाकर। गिरिडीह बजरंग कृपा संघ ने मंगलवार को अम्बेडकर चौक में महाधरना दिया। महाधरना में मुख्य अतिथि के रूप में संघ के संयोजक विभाकर पांडे उपस्थित थे। महाधरना को संबोधित करते हुए श्री पांडे ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था लाचार हो गई है, अपराधियों का मनोबल काफ़ी ऊंचा हो गया है। गिरिडीह पुलिस अपराधियों को पकड़ने में विफल साबित हो रही है। पांडे ने कहा कि रंजीत साव हत्याकांड के मुख्य आरोपी को पुलिस अब तक गिरफ्तार नहीं कर सकी। वहीं मुस्कान हत्याकांड में पुलिस ने आत्महत्या की केस दर्ज कर मामले को रफा दफा करने की प्रयास कर रही है। पांडे ने कहा कि दोनों मामले में अब तक पुलिस हत्याकांड के उद्भेदन नहीं कर सकी, जिस वजह से मृतक के परिजनों में पुलिस से विश्वास उठ रहा है। उन्होंने दोनों ही मामले में SIT गठन कर शीघ्र मामले का उद्भेदन कर दोषी को गिरफ्तार करने की मांग की है। धरना के बाद एक ज्ञापन उपायुक्त को सौंपा गया। धरना को अमर शर्मा, अजय राय, प्रमोद चौधरी आदि ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में संजय सिन्हा, श्रवण केसरी, राजू सिंह, विशाल यादव, प्रदीप राणा, रवि साहू, शैलेश ठाकुर, प्रदीप खटीक समेत सैकड़ों लोग मौजूद थे। सभी लोग कमर सीधा करिए, सभी लोग कमर सीधा कीजिए और बजरंग बली वाला लूटी बांधिए और सिंह गर्जना कीजिए। मेरे साथ तो रहिए, जन्म जहां पे हमने पाया, अन्न जहां का हमने खाया। हत्या को आत्महत्या में परिवर्तित करने का काम नहीं किया जाए और न्याय में त्वरित न्याय किया जाए और वह न्याय दिखे, पीड़ित परिवार को भी दिखे, पीड़ित परिवार के साथ जो सहयोगी हैं उनको भी दिखे, आम जनमानस को भी यह दिखे, यह व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए काम किया जाए और जिससे कि अपराधियों का मनोबल, जो अपराध ऐसे घटनाओं को अंजाम देने वाले लोग हैं, उनका मनोबल तोड़ना, आपराधिक प्रवृत्ति को मारना जरूरी है। अपराधी से ज़्यादा जरूरी हो जाता है आपराधिक प्रवृत्ति को मारना, और आपराधिक प्रवृत्ति को तभी मारा जा सकता है जब त्वरित न्याय और निष्पक्ष न्याय किया जाएगा। तब है आपराधिक प्रवृत्ति मरती है और समाज में अपराध कम दिखाई देता है। समाज में दुष्ट तभी प्रभावी दिखाई देता है जब समाज का सज्जन वर्ग निष्क्रिय होता है। तो हम लोग यह सज्जन वर्ग की सक्रियता दिखाते हुए, समाज के सज्जन वर्ग सक्रिय होकर दिखा रहे हैं, ताकि समाज में जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, वह निष्क्रिय हो जाएं। यह कार्यक्रम आज किया गया जिससे संबंधित ज्ञापन उपायुक्त महोदय को सौंपा गया।